स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेश यादव, आरजे क्लासेस उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक जो है वो आइसोमेरिज्म है, और आइसोमेरिज्म में भी मेनली जो आपका अपना सेगमेंट है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने जो ये आइसोमेरिज्म टॉपिक है वो अपने ट्वेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, इसके साथ साथ में IIT और नीट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो अपना टॉपिक है उसमें नीट में लगातार पिछले 3-4 साल से लगातार नॉमनक्लेचर और यहाँ से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनको जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एडवांस के लिए जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो आने वाला है उसको अपन त्रिविम रसायन का सेकंड सेगमेंट देखेंगे, वो होगा त्रिविम प्रकाशिक समावयवता। आज अपन ने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इतना अच्छे से समझें, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपना होगा प्रकाशिक समावयवता के लिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक सेगमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक सेगमेंट जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। आज का आइसोमेरिज्म समावयवता, इसके समावयवता जो होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, पहली है त्रिविम समावयवता और दूसरी है संरचनात्मक। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता। फिर उसके बाद में बात करें अपन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसके इस तरह से डिवाइडेशन किए गए हैं, पहला है चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता, फिर उसके बाद में दिया गया पोजिशन आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद में दिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर दिया टोटोमेरिज्म, फिर है मेटामेरिज्म, और फिर है चेन रिंग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को अगर कंपटीशन ऑफ व्यू से देखा जाए तो IIT सहित जो एडवांस एग्जाम है उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है अपने ट्वेल्थ लेवल तक अपने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं कुछ, एक यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन नाम इसके नॉमनक्लेचर से बनते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ट्वेल्थ के क्वेश्चन बनते नहीं है। IIT और नीट जो है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ये वाला जो स्टीरियो केमिस्ट्री है यहाँ से बनते हैं, और इसमें भी IIT में एडवांस में ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और अगर माने अपन दोनों स्टार्टिंग वाले नॉमनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को दोनों को मिला करके, तो मोस्ट जो पार्ट है वो आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म IIT एडवांस के लिए है, और नीट के लिए जो है वो मैक्सिमम ईयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेशन करेंगे अपन तो मेनली जो पूछा गया आज तक वो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। अपन त्रिविम समावयवता की, और त्रिविम समावयवता में पहला जो है अपना वो है ज्यामितीय समावयवता। सबसे पहली बात ये होती है कि ज्यामितीय समावयवता होती क्या है। ज्यामितीय समावयवता वह होती है जिसमें किसी कंपाउंड जो होता है उसके किसी प्लेन में या तो या फिर किसी एंगल में चेंज होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता कहेंगे। अब किसी प्लेन में ये चेंज होगा तो इस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहले अपन जिस तरह से चेंज हो रहा है तो उसका नाम कैसे अपन आइडेंटिफाई करें कि कौन किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो इसके IUPAC ने जो नामकरण की पद्धतियाँ दी है वो कुछ इस तरह से हैं। पहला है अपने सिस्टम दिया हुआ है, दूसरा है वो सिन और एंटी वाला सिस्टम दिया हुआ है, तीसरा जो है वो EZ नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया हुआ है अपने पास में। पहला जो सिस्टम है सिस और ट्रांस वाला जो है उसमें मेन बात ये आती है कि कार्बन जो होता है जो प्लेन के अंदर स्ट्रक्चर होती है उसमें sp2 कार्बन होते हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों कार्बन के ऊपर जो है वो एक ही टाइप के समूह जुड़े हुए हैं। एक ही टाइप के समूह जुड़े हुए तो कौन सी पद्धति से अपन उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, सिस ट्रांस से। सेम उसी कंडीशन से बात करें, जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरह के कंपाउंड या दो तरह के कंपाउंड जुड़े हों, ऐसा भी हो सकता है कि sp2 कार्बन जो होते हैं उनके चारों के चारों कार्बन अलग अलग टाइप से जुड़े हों, तो उस कंडीशन के लिए अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन के लिए अपन एक नई सिस्टम पद्धति उत्पन्न की है उसको क्या कहेंगे अपन, EZ। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो होता है sp2 कार्बन जो होता है उस पर एक दो अलग अलग टाइप के समूह जुड़े हों और दोनों कार्बन पर सेम समूह हो, तब नाम क्या देंगे उसका, सिस ट्रांस। और उसी कंडीशन में अगर चारों ग्रुप अलग अलग हों तो उस कंडीशन में क्या नाम देंगे अपन, EZ नाम देंगे। नाम बचता है अपना सिन और एंटी। सिन और एंटी वाला जो ग्रुप होता है मेनली अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक लोन पेयर होना इनके लिए अति आवश्यक है। तो ये सिस्टम जो होता है सिन और एंटी वाला, इसके लिए एक लोन पेयर होना आवश्यक होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज्यामितीय समावयवता होती है उसके नॉमनक्लेचर के लिए तीन जो अलग अलग पद्धतियाँ जो दी गई हैं वो किस किस टाइप से दी गई हैं। पहला जो है वो दिया हुआ है कि वे कंपाउंड जिनमें चारों एक ही कार्बन के दोनों समूह बराबर हों या दोनों सेम ही ग्रुप हों, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन सिस ट्रांस करेंगे। और जब चारों ग्रुप अलग अलग हों तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे अपन, EZ नेमिंग करेंगे। और सिन और एंटी जो कंडीशन होगी वो किसके लिए करेंगे अपन, जहाँ पर लोन पेयर उपस्थित हो। पहला अपन बात करते हैं सिस ट्रांस सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस ट्रांस में क्या बात हुई अपनी, तो देखने की कोशिश करेंगे अपने पास में दो कंपाउंड दिए हुए हैं,
एक ये वाला कंपाउंड एक ही है, लेकिन जो इसकी त्रिविम विन्यास है वो अलग अलग है, इसीलिए ये दो अलग अलग हो गए। अब देखो बात करते हैं अपन, ये प्लेन है इसका और सेम इसी तरह से इसका भी ये प्लेन है। अब इस प्लेन के अंदर जो है, इसमें और इन दोनों में प्लेन के अंदर जो है वो इस तरह से करें तो एक साइड में सी एस थ्री ग्रुप आ रहा है, इसके भी क्या आ रहा है सी एस थ्री ग्रुप आ रहा है। दोनों ग्रुप क्या है समान समूह में, समान टाइप के हैं। और ये इस कंडीशन में क्या है कि दोनों जो ग्रुप हैं सी एस थ्री ग्रुप जो है वो एक दूसरे क्या है अपोजिट साइड में है। यहाँ पर क्या है एक ही तरफ उपस्थित है और यहाँ पर कैसे हैं अपोजिट साइड में। जब दोनों ग्रुप जो होते हैं वो एक ही साइड में उपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन सिस, और जब दोनों ग्रुप अलग अलग एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उनको क्या कहते हैं अपन ट्रांस कहते हैं। तो इसकी नेमिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले अपने क्या ध्यान रखना होगा कि जो गिवन कंपाउंड जो है अपने पास में जो sp2 दोनों कार्बन जो हैं जो प्लेन वाले कार्बन हैं उनके ऊपर जाकर के देखेंगे कि जो सेम समूह है वो अगर एक ही तरफ होंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन सिस, और अगर दोनों एक ही टाइप के जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अलग अलग होंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन ट्रांस। मैंने यहाँ पर सी एस थ्री को आइडेंटिफाई करके देखा है, आप यहाँ पर आप एच को भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड को भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन भी जो है वो एक तरफ उपस्थित है इसीलिए क्या हो गया सिस एक ही तरफ आ गए समान समूह, और समान समूह जो होते हैं वो विपरीत तरफ चले गए इसीलिए क्या हो गए ट्रांस हो गए। तो इसकी नेमिंग के लिए सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना होगा कि यौन कंपाउंड जो है उसमें सेम समूह अपन आइडेंटिफाई करें, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है एच और सी एस थ्री लिखा है मैंने वही हो, आप अपनी तरफ से कुछ भी, लेकिन ये सिस ट्रांस कंडीशन तभी लागू होगी जब इस कंपाउंड के जो दोनों इस कार्बन पर जो दोनों ये जो सिरे जुड़े हुए हैं उसके सिमिलर हों, तभी ये सिस ट्रांस कंडीशन लागू होगी। जब ये सेम साइड में होंगे तो सिस होगा और ये विपरीत साइड में होंगी तो ट्रांस होगा, ध्यान रखिए इस चीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, ये दिया हुआ है इस तरह कंपाउंड है, ये इस तरह से दिया हुआ है कंपाउंड वही सेम ही है, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो उसकी त्रिविम विन्यास जो है इनकी ज्यामिति जो है इसकी वजह से क्या हो रहे हैं एक दूसरे से अलग अलग कंपाउंड हो रहे हैं। अब देखो समझने की कोशिश करें, ये दोनों कंपाउंड है इनके अंदर भी कौन सी कंडीशन है ज्यामिति समय होता है। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से देखें आप कि ये वाला जो है वो एक प्लेन के अंदर है, जो तीन कार्बन की जो रिंग है वो एक प्लेन के अंदर है, फिर उसके बाद में जो है हाइड्रोजन और सी एस थ्री जो ग्रुप दिया हुआ है, इधर हाइड्रोजन और सी एस थ्री ग्रुप जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, एक है तल के अंदर एक तल के बाहर है। ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से निकलने वाली क्या हो गई है ये वाला ग्रुप हो गया कौन सा इस तरह से, फिर यहाँ से निकलने के बाद में कौन सा हो गया इस तरह से, फिर यहाँ पर जाकर के ये वाला ग्रुप हो गया और इस तरह से। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि जो दोनों ग्रुप जो है सी एस थ्री जो ग्रुप दे रखे हैं वो अपने पास में कुछ इस तरह से है, ये जो दोनों ग्रुप हैं वो किस तरह से हैं इस तरह से। अगर मान लूँ मैं इन दोनों को इस तरह से रोटेट करूँ तो रोटेट नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, जहाँ पर ट्विस्ट नहीं हो रहे हों वहाँ पर क्या होगी ज्यामितीय समानता उपस्थित होती है, ध्यान रखें आप कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करूँ तो तीन कार्बन की वलय जो होती है उसको ट्विस्ट होने नहीं देगी, घूमने नहीं देगी इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें ज्यामितीय समानता हो सकती है। अब कुछ इस तरह से है ये, तो मान लेते हैं कि ये वाला इसका कौन सा ग्रुप है एच हाइड्रोजन है, और इसका हाइड्रोजन ग्रुप ये है जो तल के अंदर मतलब बोर्ड की तरफ वाले जो पैन है दोनों के दोनों उस पर क्या दिए हुए हैं हाइड्रोजन है, और बाहर की तरफ क्या दिए हुए हैं इसमें दोनों के दोनों सी एस थ्री ग्रुप दिए हुए हैं। सेम इधर चलें तो कुछ इस तरह से हो गया होगा, ये इसको उठा करके कुछ इस तरह से रखा होगा कि वापस एक का सी एस थ्री एच हाइड्रोजन इधर आ गया, एक का हाइड्रोजन इधर रह गया, एक का सी एस थ्री इधर रह गया और एक का सी एस थ्री ब्लू पेन वाला। अब देखो आप, अब जो एक तरफ इस वाले हाथ में देखूं तो बाहर की तरफ कौन सा ग्रुप आ गया इसका सी एस थ्री सॉरी हाइड्रोजन ग्रुप आ गया इसका, इस वाले हाथ में आपकी तरफ जो आ रहा है वो क्या हो गया हाइड्रोजन, और जो बोर्ड की तरफ जा रहा है वो क्या हो गया सी एस थ्री ग्रुप हो गया। सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा, इधर जो ब्लू वाला पेन जो दिख रहा है आपकी तरफ वाला पेन है इस हाथ में इस वाले हाथ में तो वो क्या हो जाएगा सी एस थ्री ग्रुप, और जो बोर्ड की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं वो इस टाइम पे जो हैं वो सी एस थ्री ग्रुप एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि इसमें तो बोर्ड की तरफ सी एस थ्री है और इसमें आपकी तरफ सी एस थ्री है, तो क्या हो जाएंगी ये ट्रांस वाली कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या कंडीशन है कुछ इस तरह से है, तो दोनों के दोनों जो सी एस थ्री ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं दोनों के दोनों पेन वो सी एस थ्री ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोनों के दोनों एक ही तरफ हैं एक ही साइड है डिस्टेंस कम है इसीलिए क्या हो गई सिस। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें इसको, ये वाली कंडीशन जो है इसमें इस रिंग जो है उसको अगर मैं डबल बॉन्ड मान लूँ, क्योंकि ट्विस्ट नहीं हो रहा तो मैं डबल बॉन्ड मान सकता हूँ, इसको डबल बॉन्ड मान लूँ तो कुछ इस तरह से अपने स्ट्रक्चर आ रही है इसकी सी एस थ्री। अब जो इसकी वलय जो है वो बाहर से इस तरह से 3D बना रही है, इस तरह से इसकी 3D बनी हुई है, समझ आ रही बात, जो अंगूठा और जो अंगुली जो है वो उसके टॉप ऑफ पॉइंट को बता रही है, और जो दोनों नीचे वाले जो ग्रुप हैं इसके अंदर लगे हुए सी एस थ्री और हाइड्रोजन ग्रुप को बता रहे हैं, और बीच के अंदर जो है वो ये वाला इन दोनों की वैलेंसी खत्म हो रही है। अब देखो इसको, आपकी तरफ जो दोनों पेन हैं वो किस तरफ किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सपोज दैट वो सी एस थ्री ग्रुप को सपोज कर रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं, तो बोर्ड के अंदर वाले किसको करेंगे वो हाइड्रोजन को,
समझ आ गई बात। अब यहाँ पर जो है वो दोनों ग्रुप एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CH3 CH3 एक ही तरफ है तो सिस हो जाएगा, और फिर उसके बाद में कुछ इस तरह से इधर। अब यहाँ पर जो है वो एक CH3 बोर्ड की तरफ चला गया और एक CH3 अभी भी आपकी तरफ है, तो इसका मतलब दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर हो गए, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रांस कंडीशन हो गई। इसको देखने के लिए और एक तरीके से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों CH3 ग्रुप हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो मतलब एक ही तरफ है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, अधिकतम है, तो डिस्टेंस अधिकतम हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांस हो गया और ये क्या हो गया, सिस। ये तो थी ट्रिक जो पहले समझाई है, वो एक्चुअल है इसकी कंडीशन। नेक्स्ट सिस्टम अपना वो है सिन और एंटी सिस्टम। सिन और एंटी के लिए अपन ने पहले ही बताया है कि जो वे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक लोन पेयर होता है उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, सिन और एंटी कंडीशन से अपन उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। पहला जो दिया हुआ है अपने पास में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये कंपाउंड है और ये सेम वही बात है, कंपाउंड सेम ही है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यामिति जो है वो अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग कंपाउंड अपन डिनोट करेंगे। पहला जो है उसमें देखो लोन पेयर और हाइड्रोजन जो ग्रुप है, मतलब सेम तरह के जो ग्रुप है वो सेम साइड में है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, सिन कहेंगे। और यहाँ पर जो है वो सेम टाइप के जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से अपोजिट है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, एंटी। यहाँ तक तो कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर ऑक्सीम जैसी अगर कंडीशन आ जाए अपने सामने जहाँ पर केवल एक तरफ लोन पेयर हो और एक तरफ OH ग्रुप दिया हो, बाकी समूह अलग अलग जुड़े हों, तो उस कंडीशन के लिए क्या करना होता है अपने को, कि जो ये हाइड्रोजन और ये OH जो ग्रुप होता है इन दोनों की सिचुएशन के बेसिस पर अपन इनको नोमेनक्लेचर करेंगे। देखने की कोशिश करें, हाइड्रोजन और OH जो ग्रुप होता है वो अगर सेम साइड में होता है तो उसको क्या कहेंगे अपन, सिन। और इसी प्रकार से अगर OH ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एंटी ग्रुप होंगे। ध्यान रखें फिर से, यहाँ पर अपन किसी को भी अपन मान के, जैसे लोन पेयर को भी मान के अपन कर सकते हैं नोमेनक्लेचर इसका, यहाँ पर जो है इसको हाइड्रोजन को मान के भी अपन कर सकते हैं नोमेनक्लेचर कौन सा सिन है और कौन सा एंटी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया जो है हर बार यही कन्फ्यूजन रहता है, और एग्जाम में मेनली ये पूछा जाता है कि ऑक्सीम में जो ज्यामितीय समानता है उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, वो मैक्सिमम पूछा गया है। वो इस तरह से है कि कुछ लोग इसको करने लग जाते हैं कि लोन पेयर के अपोजिट साइड में बल्कि ग्रुप होगा, तो वो ऐसी बातें नहीं करें। ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो अगर हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में OH ग्रुप जुड़ गया है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, एंटी कहेंगे। और अगर हाइड्रोजन के सेम साइड में अगर OH ग्रुप जुड़ गया है तो उसको क्या कहेंगे अपन, सिन कहेंगे। सेकेंड कंडीशन में OH ग्रुप का और हाइड्रोजन ग्रुप का ही रोल है मेनली, यहाँ पर जो है ऑक्सीम में जो लोन पेयर है उसका कोई रोल नहीं है। ध्यान रखें इसका, एग्जाम में काफी बार इसको पॉइंट करके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं अपन, वो है EZ नेमिंग। EZ जो है उसमें थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो एक वर्ड है ई का मतलब होता है एंटीगोनल ग्रुप, और जेड जो होता है उसका मैंने होता है जूसामेन, मतलब इसका मतलब होता है जूसामेन, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है साथ साथ, और एंटीगोनल का मतलब होता है दूर दूर। जब दो समूह जो होते हैं उच्च वरीयता, जिनकी वरीयता क्रम जो होती है वो अधिक होती है, वो दोनों अगर दूर दूर होंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन, एंटी ग्रुप। और अगर दोनों जो ग्रुप हों उच्च वरीयता वाले पास पास में होंगे तो उसको क्या कहेंगे, जेड ग्रुप। अब जब बात कर रहे हैं अपन वरीयता ग्रुप की, तो वरीयता ग्रुप को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए नियम दिया गया है CIP सीक्वेंस। CIP सीक्वेंस की बात करें तो CIP सीक्वेंस जो होता है उसमें उच्च वरीयता ग्रुप, ये नियम जो है ये बताता है कि जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो अगर पहले आता है तो वो क्या होगा, कम वरीयता वाला होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका वरीयता क्रम जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसी के बेसिस पर अपन इसका नामकरण करके देखते हैं। पहला जो दिया हुआ है अपने पास में हाइड्रोजन इधर, और इधर क्या दिया हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है इससे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें आप इसका। तो इस तरह से कैसे लिख पाएंगे अपन इसी को, C और H3 इस तरह से लिखेंगे, तो कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो मैं इसको वरीयता दे दूँ 1। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो दिया हुआ है उसको क्या दूँगा, 2। इसी प्रकार से इधर की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन पहले आता है कि क्लोरीन पहले आता है, तो क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आता है तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगी इसकी एटॉमिक नंबर, वरीयता क्रम क्या हो जाएगा, 1 नंबर देते हैं इसको, इसका वरीयता क्रम क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब देखो उच्च वरीयता वाले समूह जो होते हैं वो एक ही तरफ हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जेड ग्रुप हो जाएगा या जेड नेमिंग हो जाएगी इसकी। इसकी तरफ बात करें तो ये वाले ग्रुप जो है इसमें हाइड्रोजन जो है कम पर जुड़ा हुआ है इसके, और कार्बन से, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, कार्बन, तो इसका मतलब क्या देंगे इसको, 1 नंबर, और इसको कितना देंगे, 2 नंबर। फिर इसी प्रकार से इन दोनों में क्या करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन बाद में आता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या दे देंगे, 1 नंबर, और इसको क्या दे देंगे अपन, 2 नंबर। तो यहाँ पर जो होते हैं वो उच्च वरीयता वाले समूह जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इसको अपन क्या दे देंगे, ई। तो
इस तरह से ध्यान रखें कि पहला जो होता है वो नियम दिया हुआ है इसका कि परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होगा उसकी वरीयता जो होती है वो उच्च होती है। तो परमाणु क्रमांक यहाँ इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, ध्यान रखें इधर और इधर नहीं देखें, एक ही कार्बन पर जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उनका नेमिंग करें पहले, उनकी वरीयता करें, फिर इधर वाले कार्बन पर जुड़े हुए की वरीयता क्रम देखें, फिर इधर वाले की देखें। इस तरह से इस पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन जो जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो उसकी वरीयता क्रम दे देंगे अपन एक, और इधर जो दिया हुआ हाइड्रोजन उसको दे देंगे दो। इसी प्रकार से सेकंड कार्बन पर चलते हैं तो इस कंडीशन में ब्रोमिन को दे देंगे फर्स्ट और क्लोरिन को दे देंगे सेकंड। गलती कहाँ होती है इसमें, गलती यहाँ होती है कि अपन क्या करते हैं इन दोनों कार्बन को अपन एक साथ ही आइडेंटिफाई करवाने स्टार्ट कर देते हैं, इसको भी एक नंबर दे दिया, इससे बढ़ा है तो इसको एक नंबर दे दिया, फिर उसके बाद में इसको दो नंबर दे दिया। इस तरह से नहीं करना है, करना क्या है आपको कि इस एक कार्बन पर जाना है और एक कार्बन पर जाने के बाद में क्या करना है आपको कि जो दोनों समूह जो दिए हुए हैं उन दोनों समूह का परमाणु क्रमांक देखें और उसके बाद में क्या करेंगे उसका वरीयता क्रम देखेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इजेड नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अपना वरीयता क्रम में सेकेंड जो है वो परमाणु क्रमांक अगर समान हो तो वरीयता क्रम का निर्धारण जो है परमाणु भारों के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए पढ़ने ये कार्बन है और इसके जो दोनों ग्रुप हैं उनको अगर देखें तो पहला कौन सा है हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही क्या है ग्रुप है वो, तो इसका परमाणु भार कितना होता है टू। इधर बात करें अपन तो इसको वरीयता क्रम देंगे नंबर वन, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन को देंगे नंबर टू, फिर उसके बाद में इस कार्बन पर चलेंगे तो इस कार्बन पर दिया हुआ है क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 दोनों दिए हुए, तो जिसका परमाणु भार अधिक होता है तो उसको क्या देंगे अपन नंबर, उसको वरीयता क्रम में पहले रखेंगे और जिसको बाद में आएगा उसको क्या करेंगे सेकंड नंबर पर। अब देखो दोनों समूह समान है, उच्च वरीयता वाले समूह एक ही तरफ है तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसका नाम दे देंगे अपन जेड। समझ में आ रही बात। इधर बात करें अपन सेम इसी तरह से कार्बन ग्रुप ये है और इस कार्बन पर जो है एक तो डी जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वरीयता क्रम में कौन पहले आएगा, इसके भारी हाइड्रोजन है ये तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा ये वाला। इधर बात करें अपन तो क्लोरीन जो है वो क्लोरीन में 37 है और ये 35 है, 37 जो वाला है उसको फर्स्ट नंबर ग्रुप देंगे क्योंकि वरीयता क्रम में जिसका परमाणु भार अधिक होता है उसको क्या देंगे वरीयता में पहले स्थान देंगे, और सेकंड कंडीशन में कौन आ जाएगा ये वाला। अब दोनों उच्च वरीयता वाले जो समूह है वो कहाँ हो गए एक दूसरे से दूर दूर, तो इसी इसका नाम क्या हो गया एंटी। फिर उसके बाद में आता है यदि वरीयता निर्धारण से पहले पहले वाले परमाणु क्रमांक अगर समान है तो उससे नेक्स्ट वाले देखते हैं। इसका एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये कार्बन जो है अपने पास में इससे क्या क्या जुड़े हुए हैं दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जो है उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरे वाले से क्या जुड़ा हुआ है कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या दे देंगे अपन वरीयता में फर्स्ट नंबर दे देंगे और इसको वरीयता में क्या दे देंगे सेकंड नंबर। फिर उसके बाद में इसी तरह से यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन से, या फ्लोरिन जुड़ा हुआ है, या कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस वरीयता में इसकी वरीयता क्रम जो होता है उस फ्लोरिन का बाद में आता है तो इसमें क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें फ्लोरीन बाद में आता है तो क्या हो जाएगा फ्लोरीन को नंबर वन दे देंगे और इसको क्या दे देंगे सेकंड नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो इसको क्या दे देंगे फर्स्ट नंबर और इसको क्या दे देंगे सेकंड नंबर। इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप में किसको दे देंगे इसको फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड नंबर। अब बात करते हैं दोनों अलग अलग ग्रुप जो है जो दोनों उच्च वरीयता वाले ग्रुप जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत हैं तो इसको क्या कह देंगे अपन ई, और जो उच्च वरीयता वाले समूह जो होते हैं वो एक तरफ हैं तो इसको क्या कह देंगे अपन जेड कह देंगे। बाद में बात करते हैं अगर समूह जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कर देते हैं द्विगुणित या त्रिगुणित कर देते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए आप ये वाला अपने पास कार्बन है, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है दूसरा कार्बन, अब इस कार्बन से जुड़े होने के लिए क्या करेंगे अपन तीन नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, एक इस बॉन्ड वाला नाइट्रोजन एक इस बॉन्ड वाला नाइट्रोजन इस वाला, इस प्रकार से जहाँ द्विबंध होते हैं वहाँ द्विगुणित कर देते हैं, जहाँ त्रिबंध होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर अपन इसको त्रिगुणित कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ जो नाइट्रोजन है वो कितना गुणित हो जाएगा तीन गुणित, तो इस कार्बन से कितने नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं तीन बार, तो इसको क्या कर देंगे अपन फर्स्ट ग्रुप दे देंगे, और इधर क्या जुड़ा हुआ कार्बन से एक कार्बन फिर उसके बाद में दो कार्बन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कार्बन डुप्लीकेट हुआ है मतलब द्विगुणित हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये सेकंड नंबर पर। समझ आ रही बात, ये वाला अधिक उच्च वरीयता वाला समूह हो जाएगा और ये उसके बाद में ग्रुप हो जाएगा। अब देखो इधर यहाँ पर जो है इन दोनों ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए एक कार्बन फिर उसके बाद दूसरा कार्बन तो ये वरीयता, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ कार्बन से तीन बार कार्बन जुड़ा हुआ तो उच्च वरीयता वाला कौन सा हो जाएगा जहाँ तीन कार्बन जुड़े हुए हो तो उच्च वरीयता वाला ये हो जाएगा, तो इसको ये और इसको सेकंड नंबर देते हैं। सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा इन दोनों में उच्च वरीयता वाला कौन सा हो जाएगा क्योंकि कार्बन से तीन नाइट्रोजन जुड़े हुए और इधर कार्बन से दो बार नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं डुप्लीकेट करने की बात होगी अपनी, तो इसको क्या कर देंगे अपन एक नंबर दे देंगे और इसको क्या दे देंगे अपन दो नंबर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या दे देंगे अपन इसको एक नंबर दे देंगे और इसको दो नंबर दे देंगे। इस प्रकार से देखें आप जो उच्च वरीयता वाला जो समूह है वो एक ही तरफ है इसीलिए इसको क्या कह देंगे अपन जेड, और यहाँ पर जो है वो उच्च वरीयता वाले समूह जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं इसीलिए क्या दे देंगे इसको ई कह देते हैं। बाद में है
अगर मान लेते कंपाउंड में एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है, तो बॉन्ड पेयर जो होता है उसको अपन क्या वरीयता में पहले प्रायोरिटी देते हैं, और यहाँ लोन पेयर जो होते हैं उसको सेकंड नंबर पर। एग्जाम्पल के लिए देखें आप, ये वाला कार्बन है, कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और इधर क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो CH3 ग्रुप को अपन ऑब्वियसली वन नंबर देंगे, और इसको क्या देंगे टू। यहाँ पर लोन पेयर है और ये है बॉन्ड पेयर, तो अपन ने पहले लिख रखा है कि बॉन्ड पेयर जो होता है उसको वरीयता में फर्स्ट नंबर देते हैं और लोन पेयर को देते हैं सेकंड नंबर। सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, और इसको क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इधर क्या हो जाएगा ये सेकंड नंबर, और इसको क्या कहेंगे अपन फर्स्ट नंबर। बात करते हैं सेम ग्रुप अगर सेम साइड होंगे तो, सॉरी उच्च वरीयता वाले ग्रुप जो होते हैं सेम साइड होंगे तो इसको क्या कहेंगे अपन जेड, और अगर इस तरह से होंगे उच्च वरीयता वाले समूह एक दूसरे के विपरीत होंगे तो क्या कहेंगे अपन इसको ई। नेक्स्ट जो है CIP सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने जो पढ़े हैं उनके एक दो एग्जाम्पल देख करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये एग्जाम्पल दिया अपने सामने कौन सा ई है और कौन सा जेड है। एग्जाम में कुछ इसी तरीके से पूछता है, और ई जेड नेमिंग पर नीट में लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन पूछता रहे हैं। इसमें देखते हैं पहला ये ग्रुप दिया हुआ अपने पास में, तो ये कार्बन जो है कार्बन के साथ साथ में क्या जुड़े हुए हैं, ये दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक पर कार्बन 12 है और एक कार्बन पर 14 है कार्बन, तो इसमें उच्च वरीयता वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा ये वाला, और इसको क्या कहेंगे सेकंड ग्रुप कहेंगे। और इन दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन से एक बार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे बोल रहे हैं, डबल ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन कैसे बोल रहे हैं इसको, इस तरह से होता है ये। तो डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे एक कार्बन से ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन, और यहां पर अपन क्या करेंगे इसको इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये कार्बन, कार्बन से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन से फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 बार ऑक्सीजन अपन ऐड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को अपन डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ वाला ग्रुप क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये कौन सा हो जाएगा सेकेंड। इसी प्रकार से अपन इधर कोशिश करेंगे अपन क्या हो जाएगा फर्स्ट, इसको क्या कहेंगे सेकेंड, और इधर क्या कहेंगे इसको फर्स्ट, और इधर इसको सेकेंड। इस तरह से अगर सेम ग्रुप जो है सॉरी उच्च वरीयता वाले जो ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो उसको क्या देंगे अपन नाम ई, और यहाँ पर जो है अगर उच्च वरीयता वाले ग्रुप एक ही तरफ दिए हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन जेड। इस तरह से अपन देखो ये एग्जाम में जो होते हैं वो ऐसे इस तरह से नाम पूछा जाता है कि कौन सा ई और इसका पूरा नाम नोमेनक्लेचर को इस आइसोमेरिज्म से जोड़ करके इस तरह से ई जेड नेमिंग पूछता है। तो नीट के हिसाब से ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का अपना टॉपिक आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपना आज होगा वीडियो वो त्रिविम रसायन का, त्रिविम के जो समावता है उसका सेकंड सेगमेंट लेंगे अपन, प्रकाशिक समावता, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको देखना ना भूलें।